कुसुम। घर यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ गुप्ता जी, आप ये जमीन हासिल करके ही यहाँ से निकलेंगे, छोड़ना मत इन लोगों को। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलो ड्राइवर। माँ, माँ ये सब? बेटा हम लोग स्टे ऑर्डर नहीं ले पाए तो। मिस्टर गर्व, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार मुझे ये चौल अभी खाली करवानी है। इंस्पेक्टर, क्या मैं वो पेपर्स देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। गुप्ता जी इन्हें पेपर्स दिखाइए। ये चौल बच जाएगी ना गर, तुम इसे टूटने से बचा सकोगे ना? I'm sorry ma. ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इंस्पेक्टर साहब आप लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। चलिए चलिए हटिए आप लोग, चलिए पीछे हटिए। अरे पीछे हटिए भाई, पीछे पीछे हटिए। अरे पीछे हटिए आप लोग, आप लोग ठहरो ठहरो, हटो हटो हटो, ठहरो। ये डिमोलिशन नहीं हो सकता। और ये चौल भी नहीं टूटेगी। ये देखिए मणिलाल ने ये जमीन मुझे भी बेची है, इसलिए मैंने उस पर केस किया। और जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता यहां से कोई चीज नहीं हिलाई जा सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो आपने भी धोखा खाया और मैंने भी। इंस्पेक्टर साहब ये रहे जरूरी कागजात, अब आप ये सब रुकवाइए और सबको अपने अपने घर में भिजवाइए। अरे बुलडोजर रोको, रोको रोको। चलो कली बेटा, हम लोग अंदर जाते हैं। वक्त लगेगा बेटा, लेकिन एक ना एक दिन कुसुम की नाराजगी जरूर दूर हो जाएगी। और वैसे भी जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो गया ना। तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया कर? थैंक्स क्षितिज, तुमने कुमुद की मॉम को हेल्प करके। मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं की है सर, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उनके साथ धोखा हो रहा था और मैंने सिर्फ उन्हें उस धोखे से बचाया है। धोखा? कैसा धोखा? रहने दो कर, तुम जान के क्या करो? तुम सिर्फ इतना जान लो कि जो लोग उनके साथ धोखा करना चाह रहे थे मैंने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। क्षितिज, धोखा वो दे रहे थे या तुमने उन्हें धोखा देकर कुसुम मॉम को बचाया ताकि तुम कुसुम मॉम की नजरों में उड़ जाओ और अपने इरादों में कामयाब हो सको? ओह शट अप, बंद करो ये बकवास। क्षितिज बकवास नहीं, मैंने तुम्हारे पेपर्स को देखा था और एक लॉयर होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो पेपर्स तुमने बनवाए थे। हाँ मैंने बनवाए थे, लेकिन तुमने उन लोगों के पेपर्स भी तो देखे थे, तुम्हें वो सही लगे थे इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी मॉम ने बनवाए थे। क्षितिज
सच सुनकर बुरा लगा कर। तुम झूठ बोल रहे। मुझे तुम्हारे किसी बात पर यकीन नहीं है क्षितिज। दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना ही तो एक वकील का काम है। रहने दो कर, जाओ और जाके पता करो कि वो पेपर्स किसने बनवाए। क्षितिज, तुम बेवजह मेरी बड़ी मॉम किस में घसीट रहे हो। अपना झूठ छुपाने के लिए तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुमने आज तक सिर्फ झूठ बोला है। मुझे झूठा कहने से पहले कर, तुम अपने आप को देखो कि तुम किससे झूठ बोल रहे हो और किसे धोखा दे रहे हो। किसे धोखा दे रहा हूं? कुमुद को। उससे शादी कर लेने के बाद तुम कली से छुप छुप कर मिलते हो। What nonsense? This is not nonsense. This is a fact. क्या तुम अभय अंकल के फार्म हाउस पर कली से अकेले में नहीं मिले थे? क्या तुम अब भी उससे प्यार नहीं करते हो का? नहीं करता। मैं कली से प्यार नहीं करता। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए सिर्फ मेरा कमिटमेंट मायने रखता है। और मैंने कुमुद का साथ निभाने का कमिटमेंट किया है। वो कमिटमेंट जो तुम नहीं कर सके। कमिटमेंट देने के लिए वफादार होना बहुत जरूरी है। और तुम forget it. मैंने भी एक कमिटमेंट किया था कर, कि मैं हमेशा कुमुद को खुश रखूंगा। उसकी खुशी के लिए ही मैंने तुम्हारे और उसके साथ को भी बर्दाश्त किया है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम उसके लिए इतना फील करते हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने गर्व का पीछा किया, वरना मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। आज मुझे एहसास हुआ कुमुद कि तुम मुझसे कितनी दूर निकल गए। आज मैंने गर्व की आंखों में तुम्हारे लिए एक अपनापन देखा। आई एम हैप्पी दैट ही रियली केयर्स फॉर यू। अब मुझे किसी बात की कोई शिकायत नहीं। पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे तुम्हारी कमी महसूस हो रही है कुमुद। I don't know why, but I miss you. I really miss you, Kumud. Really miss you. Bansi, mere socks kahan hain? Bansi? Ye lo, Garf. गर्व, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं तो क्यों? मानसी, मेरी टाई लेके आना प्लीज। लीजिए सब। ये लो गर्व। कुमुद फेवरेट टाई। गर्व, वो कैन यू ड्रॉप मी टू कॉलेज प्लीज? We'll be right back.
घर। क्या कर रहा है यार तू? ध्यान कहाँ दे रहा? अरे कुछ नहीं यार, वही लेक्चर, वही पार्टी, वही बॉयज। इसलिए तो प्रेशर्स पार्टी रखी है आज। इट्स अबाउट 60s। मैं तो मधुबाला बन के आने वाली हूँ। प्लीज यार, तू तो कुछ ऐसा मत करना, नहीं तो उनकी आत्मा दुखेगी। एनीवेज कली, तुम तो आ रही हो ना? वो नहीं आ रही क्योंकि अपनी कली मैडम आजकल बहुत बिजी है। शी इज वेरी बिजी। क्यों, कहाँ जा रही हो? क्या करें ना, कर छोड़ना उसे। अभी हमारे साथ कहाँ आएगी, हमारे साथ बात क्या करेगी? और अब तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी कॉलेज ड्रॉप करने आने लगे हैं, है ना कली? ये क्या बात है कली, जो लोग तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं तुम उनका साथ दे रही हो, और जो लोग तुम्हारा साथ देना चाहते हैं तुम उन्हें अवॉइड कर रही हो। वेरी बैड। एनी वे, फॉरगेट ऑल दैट। ये बताओ, आज रात की पार्टी में क्या तुम मेरी डेट बनोगी? No thanks. Oh come on, Kali. Why? Don't you love your darling Nakul's proposal, huh? Don't you love your darling Nakul? Nakul. बहुत हाथ चल रहे हैं आजकल तुम्हारे, but now that's enough. अब तुम देखो नकुल का कमाल। अगर सबके सामने मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं उतारी ना, मेरा नाम नकुल नहीं। अंडरस्टैंड दैट? जाने दे सेना, इसे बहुत काम होगा। और आजकल फिर कुमुद भी तो घर पे नहीं है। इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। आज रात की पार्टी में एक बार आ जाए तेन अकेले बस होगा। वो नहीं आएगी नकुल, इट्स इम्पॉसिबल। Nothing is impossible, Harry. वो आएगी, वो जरूर आएगी। Hello, Sonia. कैसी हो? कली, मुझे मालूम है नकुल ने तुम्हारे साथ क्या किया है। कली, तुम्हें उसे क्या फर्क? कली, फर्क पड़ता है क्योंकि उसने मुझे भी धोखा दिया है। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएं। क्यों, अब तुम्हारे साथ क्या किया है उसने? बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज रात की पार्टी के बाद ही'ल बी फिनिश्ड। अगर तुम आती तो और भी ज्यादा अच्छा होता, पर आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं सोनिया, आज रात की पार्टी में मैं जरूर जाऊंगी। हाय माँ। हाय पापा। हाय यार, ऑफिस से आ रहे हो? जी। तुम पार्टी में तो चल रहे हो ना? पार्टी? कौन सी पार्टी? वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने एक पार्टी रखी है, इसका आना जरूरी है। लेकिन पापा वो लेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम्हें आना है बस। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ओके। आर्यमन, क्या कोई इम्पोर्टेंट पार्टी है? हाँ साक्षी, अभय जिस डील के लिए अमेरिका गया था ना, वो डील हो गई और उसी खुशी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने ये पार्टी रखी है। मेरी उससे बात हुई थी, वो भी 2-3 दिन में आ जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं आर्यमन, बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि तछोड़ एक तरफ हमारा और गर्व का बिजनेस इतना तरक्की कर रहा है, तुम्हें नए काम करने वालों की जरूरत है, और एक तरफ हमारी कुसुम है जो नौकरी ढूंढ रही है। तुमने उससे हमारे यहाँ नौकरी करने की बात नहीं की? मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन उससे बात कर नहीं पाया, ये डर कर कि कहीं वो इनकार ना कर दे।
लेकिन अब सोचता हूँ कि एक बार फिर से कोशिश करके देखो। अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ऑफर लाया था। ऑफर? हाँ, मैं सोच रहा था क्यों ना तुम हमारी मतलब कि अपनी कंपनी में फिर से काम शुरू करो। नहीं हरिमन, ये मुझसे नहीं होगा। देखो कुसुम, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और कैसे ईशा। ईशा? मैंने उसकी और तुम्हारी बातें सुन ली थी। वो अच्छा नहीं कर रही है। सोचता हूँ अभी को सब बता दूँ। नहीं आ रही हूँ, तुम अभी को कुछ नहीं बताओगे। ये मेरी और ईशा की लड़ाई है और उसे मैं ही लड़ूंगी। लेकिन कुसुम, तुम अपनी कंपनी में काम करके भी तो ईशा को जवाब दे सकती हो। मैं किसी की मदद से नहीं, खुद उसे जवाब दूंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो। मैं अभय की कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुसुम, तुम बेकार कोशिश कर रहा। जहां तक मैं कुसुम को जानता हूं, वो ही ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभय, तुम यहां? मैंने सब सुन लिया है। और वैसे भी माही ने फोन करके बता दिया था कि कुसुम की नौकरी छूट गई। इसका मतलब ईशा वाली बात अभी ने नहीं सुनी। क्या सोचा आर्मी? कुछ नहीं, तुम्हें तो 3-4 दिन बाद आना था ना। हाँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा वापस चला। सोचा था कि कुमुद को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल गया। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा कुसुम। अच्छा लगा कि तुम अपनी बेटी के पास रहने आई हो। वजह जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम कुसुम देशमुख के भीतर की मार तो जाग गई। वैसे कुमुद कहाँ है? मामी जी के साथ अमृतसर गई है, गोल्डन टेम्पल। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। खेल प्लान कर रही हूँ। मुझे लगा था कि कुसुम को तकलीफ पहुंचाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, कुमुद। लेकिन यहाँ तो तुमने लव ट्राइंगल स्टोरीज के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, यहाँ पर एक चौथा एंगल भी है। ये देखो कुमुद, क्षितिज, कर और कली। Isn't that interesting?